और बोलो और आप कोई क्वेश्चन पूछ लो क्वेश्चन है ही नहीं मेरे पास भाई साहब ये आते हैं फुली अनप्रिपेयर्ड मस्त आ जाओ भाई वेलकम टू गेमिंग विद अभिनीत एके एंड एके शो एपिसोड फोर फाइव फाइव फिफ्थ एपिसोड में आपका स्वागत है मैं अभिनीत कोंडल मेरे साथ है और चिक्स भैया अर्चिस्मैन कोहली हेलो 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 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भैया गेमिंग इन इंडिया सिंपल हमें सिर्फ इंडिया में गेमिंग की बात करनी है एक चीज यहाँ पे शुरू में ही बोलूंगा कि भाई अगर आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक आता है तो बता देना उस पर बात करनी होगी कर लेंगे बाकी हम तो अपना सोच ही रहे है. गेमिंग इन इंडिया और चिक्स भैया से मैं शुरू करूंगा क्योंकि ये स्टूडेंट आदमी है क्या लगता है पढ़ाई पढ़ु में कोई स्कोप है गेमिंग का इंडिया में हाँ पढ़ाई इंडिया पे बाहर पे भी है इंडिया पे भी है मतलब अगर आप सही से, से पढ़ोगे बाहर, तो बाहर, बाहर तो है बाहर है इंडिया है इंडिया पे अभी इतना गेमिंग कंपनी तो बन नहीं रहा है ना प्रॉब्लम तो यही बात है क्योंकि इंडिया पे जो मैक्सिमम लोग गेम खेलता है वो या फ्री खेलता है या पायरेसी करता है ओके मोबाइल गेम्स के लिए है मैं अभी भी मानता हूँ लेकिन मोबाइल गेम्स का कितना है उतना भी जो जितना भी पॉपुलर गेम इंडिया पे चलता है लाइक पबजी फ्री फायर ये तो बाहर की कंपनी है इंडिया कंपनीज है जैसे अपना क्रिकेट का जो डब्ल्यू सी सी थ्री है रियल क्रिकेट है ये इंडियन कंपनी है ठीक है लेकिन ये इतना बड़ा लेवल का कंपनी नहीं है जो इसमें बहुत सारी एम्प्लॉयज काम करेगा अगर थोड़ा बहुत बड़ा लेवल या मीडियम लेवल पे होगा तो स्कोप तो डेफिनेटली है भाई स्टूडेंट लेवल पे अगर आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन लेकर बैचलर या मास्टर कर रहे हो आपके पास कोडिंग वगैरह का सही नॉलेज है तो स्कोप तो है इंडिया पे भी मैं आ, मेरे दिमाग में अभी एक बात आई मैंने कोई बंदा ढूंढूंगा इससे रिलेटेड ठीक है हुँ. और कोशिश हुई तो उसको पॉडकास्ट में बुलाएंगे जिसने इससे रिलेटेड कुछ किया हो okay. ठीक है? वो ढूंढते किसी को कभी मिला तो उसको लेके पक्का आऊंगा अब कब मिलेगा ये मुझे भी नहीं पता ठीक <laughs> है चलो आपकी ये बात तो सही है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे अपनी ये गेम्स है जैसे फौजी आई थी देखा and जाए और एक बात एंड और एक बात स्टूडेंट पे जैसे कोडिंग मतलब जो साइंस लेकर पड़ता है कंप्यूटर साइंस या बैचलर एप्लीकेशन इसके अलावा भी जो लोग अपना ग्राफिक्स डिजाइनिंग ठीक है ये सब सीख रहा है ना थ्री डी मॉडलिंग इन लोगों के लिए कोर्स है क्यों, इन लोगों के लिए भी मतलब मौका है क्योंकि देखो ना कोई भी गेम खेलते हो वहां पर ग्राफिक्स का भी तो काम होता है जो कोडिंग वगैरह करता है वो सिर्फ कौन सा बटन दबाने से क्या एक्शन होगा क्या रिएक्शन होगा क्या फिजिक्स होगा क्या होगा कैसे चलेगा वो लोग डिसाइड करेगा कोड करेगा लेकिन मेन जो विजुअलाइजेशन का काम वो ग्राफिक्स वाला पार्ट है वो ऑबियसली जो कोडिंग करता है उसको ग्राफिक्स उतना नहीं आएगा तो वो प्रॉपर वही करेगा जो ग्राफिक्स लेकर पढ़ा हुआ है एनिमेशंस लेकर पढ़ा हुआ है उस फील्ड पे कुछ जानता है तो वो वाला इंडिया में कॉलेजेस वगैरह इस लेवल के हैं जो इतनी अच्छी हाँ, सिखाते मेरा एक दीदी है वो मतलब एनिमेशंस लेकर ही पढ़ा है वो गेमिंग कंपनी पे तो जॉब नहीं करता है बट वो अपना उसमें उसको क्या बोलता है बायजूस सब कंपनी पे जॉब जौप, जॉब्स करता है एंड अगर आप देखोगे इंडिया का उस टाइम पे जर्सी का स्पॉन्सर था ना बास तो वो जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह रन होता है तो वो तो सब भी एनिमेशन के थ्रू ही होता है वन टाइम ऑफ इंडियन टीम के लिए भी उन्होंने काम किया है मतलब वो स्पॉन्सर लेकर क्योंकि वो एनिमेशन का वन ऑफ पार्ट हो गया ना तो मतलब तो अगर उस तो तो हो हो पे, पे चला जा सकते हो जो मूवी प्रोड्यूस होता है वहां पर भी, तो हो वहाँ भी ग्राफिक्स होता है तो वहां पर भी आप, आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि मेरा वो दीदी पहले बायजोस से पहले यहाँ पर एक विंडोज प्रोडक्शन हाउस है जो बंगाली फिल्म प्रोड्यूस करता है और एक बात है अगर आप नॉर्मल uh, अच्छा तो मतलब एक अच्छा बहुत सारे फ्री कोर्स अवेलेबल है बारह घंटा तेरह घंटा का वीडियो है तो आप ऐसे सीख के थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के आपके पास फंडेड होगा तो आप तीन चार बंदे को हायर करके आप छोटा मोटा लेवल का गेम अब भी बना सकते हो ये जो साबु सर्फर वाला गेम है ना ऐसे गेम बनाने में आप बना सकते हो अगर कोशिश करोगे तो क्योंकि इस सब गेम का जो फ्री कंटेंट कैसे बनता है इंटरनेट पे अवेलेबल है इतना प्रॉपर नहीं बना पाओगे बट एक दो बंदे का टीम लेकर एक थोड़ा बहुत तो बना सकते हो ऐसे बात आई थिंक एक वो भी होता है ना क्या कहते हैं उसको वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे हर चीज का एक टाइम होता है ठीक है एग्जैक्ट वर्ड भूल रो जैसे एंडलेस रनर्स का एक टाइम था तब आती यही थी आ, टेंपल रन होगी आपकी जो आपने अभी बोली क्या नाम है सफेद ना, और इंडियन मूवीज भी उस टाइम पे अपनी ऐसी गेम बना देती थी एंडलेस रनर्स वाली या, या 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 अब वो खत्म होगी अब मैंने नहीं देखा लास्ट कोई एंडलेस रनर गेम अब चलती है अब वो शूटिंग वाली या ऑनलाइन गेम्स ही ज्यादा चलती है बट आई थिंक जैसे ये बेसिक गेम्स है जैसे कैरम होगी या कुछ होगी ये तो कैरम लूडो कैरम लूडोज वगैरह कोई भी बना सकता है मतलब अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो एंड यार उसको बनाने मतलब वो अगर बनाना चाहता है देखो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है इनका पूरा फ्री प्रोसेस कैसे आप बनाओगे नहीं बनाओगे लेकिन हाँ आपको वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि देखो कैरम लूडो ये सब बहुत सारे लोग खेलते हैं अभी भी गेम ठीक है तो आप क्या गेम पे ऐसे कर सकते हो आपको थोड़ा सा बिजनेस परस्पेक्टिव से अगर सोचोगे ना जहां से यूजर आएगा अगर मान लो जैसे अभी हो गया ना जैसे अपना माई इलेवन सर्कल वगैरह पे भी तो कैरम लूडो होता है जब पैसा देकर खेलते हो जो विन होता है वो पैसा मिलता है तो कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से अरे भाई हम हाँ, जीतेंगे तो पैसा मिलेगा तो वो ऑब्वियसली वही वाला प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज करेगा तो आप अगर ऐसे बिजनेस मॉड्यूल बनाओगे मार्केटिंग करोगे एंड प्रॉपर उसके अंदर जो लेवल होगा वो डिजाइन करोगे क्योंकि मुझे जितना पता है जो गेमिंग कंपनी होता है ना उसमें और एक कैटेगरी होता है लेवल डिजाइनिंग का ठीक है जिसको मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी ये सब माइंडसेट के बारे में थोड़ा सा पता है जो लोग मेनली उसका कोडिंग ग्राफिक्स से कोई लेना देना नहीं है वो सब लेवल डिजाइन करता है देखो ना कोई भी गेम पे अगर लेवल नहीं होता तो वो खेलने का मजा नहीं आता ना ऑब्वियसली बात है लेवल जितना बढ़िया होगा टारगेट है मैं जो बात कर रहा था वो बीच में रहेगी जैसे फौजी गेम आई थी ठीक है जो डिजास्टर थी बेकार थी, ऐसी गेम्स तो आपको लगता है कि उल्टा गेमिंग को पीछे लेके जा रही है फ्रंट फुट पे या आगे लेके जाना मुझे नहीं लगता हाँ, हाँ हो सकता है पीछे ले सकता बट बर... हो सकता है ना आ, क्योंकि बट मतलब यूट्यूब तो एक ने बट देखो यूट्यूब पे ना एक ने फौजी का रिवर्स इंजीनियरिंग किया था ठीक है रिवर्स इंजीनियरिंग होता है आपके पास देखो गेम तो बनाता है स्टार्टिंग तो से गेम तक इन प्रोडक्ट तक आता है एंड रिवर्स इंजीनियरिंग हो रहा है मतलब आपके पास गेम है इसके मतलब गेम का जो डेटा वगैरह कैसे गेम बना है वो भी आपके पास वन काइंड ऑफ आ चुका है वो गेम को खोलते खोलते पीछे आएगा समझ रहे हो रिवर्स इंजीनियरिंग तो यूट्यूब अच्छा। पे आई थिंक फौजी का रिवर्स इंजीनियरिंग फ्री पे अवेलेबल है एक ने पूरा फौजी खोल दिया था मतलब उसके अंदर क्या क्या है उसने पूरा डिटेल्स करा था कुछ भी नहीं है गेम के अंदर कुछ भी नहीं था मतलब वो तो डेवलपर ने है। क्या अपना उसने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है जो पहाड़ वगैरह है एक पहाड़ को कंट्रोल सी करके दूसरा पहाड़ पे प्लेस कर दिया कुछ मतलब टेक्सचर बदलना या कुछ लाइटिंग बदलना कुछ भी नहीं किया लेकिन फौज ने वहां पर दिखाया था कुछ कुछ चीजें ना उन्होंने लॉक रखा था मतलब गेम के अंदर था बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन था समझ रहे हो मतलब अपडेट के थ्रू वो लोग ओपन कर देता ऐसे था मतलब बना रहा था लेकिन उसके बाद वो चला ही नहीं तो उसने वो काम ही नहीं किया चल ही नहीं सकती थी भाई ग्राफिक्स से तो चलो उम्मीद ही नहीं थी उसका गेम प्ले ही कुछ नहीं था मतलब कुछ तो चाहिए था गेम में आप इतनी हाई लेवल उसकी वो कर रहे थे और आई थिंक वो आया भी उस टाइम पे था जब शायद पबजी बैन हुई थी तो हाँ। एक हाई बहुत मिली थी बट टोटली वो होगी वो कि नहीं भैया स्टार्ट भैयास्टर थी अच्छी गेम्स भी है अभी जैसे आ रही है आई थिंक माया नगरी माया नगरी मुंबई पी तो, उस पे आ रही है पीसी पे आ रही है ना मैं मोबाइल हाँ, की मोबाइल मोबाइल पे माया नगरी मुझे नहीं नाम मैंने सुना बट वो मोबाइल के लिए आ रहा है या पीसी के लिए आ रहा है ये मुझे नहीं पता नहीं वो मोबाइल के लिए आ रही है प्री इंस्टॉलेशन उसकी अवेलेबल मतलब वो प्री रजिस्ट्रेशन

यूनिक सा है कुछ वीडियो मुझे बहुत पसंद आई थी उन्होंने रिएक्ट किया मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उनका अगर मुझे मिला तो मस्त लगा था वो चलो ये तो आ गया एक उस प्रोस्पेक्टिव से ठीक है एक प्रोस्पेक्टिव हमने कवर किया कि फ्यूचर गेमिंग का इंडिया में क्या है अगर आप एज अ जॉब या एज अ उसको वो देखना चाहते हो अब इसको घुमाते खेलने वालों की तरफ खेलने वालों के लिए क्या फ्यूचर है गेमिंग का इंडिया में कि यही हाल रहना है पायरेसी वगैरह जानी नहीं, नहीं।, नहीं। है पायरेसी देखो पायरेसी सभी देश पे होता है इंडिया पे ज्यादा होता है ठीक है अगर आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करोगे एक गेम का कितना पैसा तो होता है ठीक है अगर मेरे हिसाब से अगर आप पैसा देकर गेम खरीदोगे एंड भाई फ्यूचर है भाई इंडिया पे गेमिंग फ्यूचर है मुझे लगता है सीरियस मुझे ये भी लगता है ना कि आप खुद देखो एक गेम आज के टाइम पे आ, पी सी का मुझे नहीं पता बट पी एस फाइव पे पांच से छ हजार की गेम आती है ठीक है हाँ? पांच से छ हजार की गेम लेना इंडिया में इट्स नॉट इजी इजीयर मतलब देखो 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 गेमिंग मतलब गेमिंग के करियर पे का का होता है एक होता है जो गेमिंग से यूट्यूबर बन गया ठीक है दूसरा होता है प्रोफेशनल गेमर्स जो स्पोर्ट्स खेलता है एंड मैं अभी कैंपियर कैजुअल कैजुअल गेमर्स की बात कर रहा हूँ कैजुअल कैजुअल गेमर्स गेमर्स करियर करियर ओके का मतलब इसके अलावा है होगा नहीं कुछ मैं वो भी नहीं कह रहा मैं एक बात कर नहीं? रहा हूँ मान लो उसका देखो ज्यादातर इंडिया में अभी भी सेवेंटी टू एट्टी परसेंट लोग वही है जो सिर्फ शाम को बैठ के थोड़ी देर खेलना चाहते हैं बस उनके लिए गेमिंग यही है या बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के थ्रू पैसे ले रहे हैं इवन बड़े हैं जो अपना खर्चा करके भी ले रहे हैं लेकिन उनका कोई ई e स्पोर्ट्स भी उनका गोल नहीं है उनका गोल यूट्यूब भी नहीं है उनको खेलना है और आई थिंक सेवेंटी टू एट्टी परसेंट लोग यही है ठीक है? है उनको यही है कि भाई इंजॉयमेंट के लिए खेलना हमें ना अपने कमाना होगा उस हिसाब से करियर रहा रहा। वाली कहानी खत्म कर दी मैं ये कह रहा नॉर्मल हाँ नॉर्मल कि ये रेट्स वगैरह ऐसे ही बढ़े रहेंगे तो कोई नहीं हाँ, रहेगा क्योंकि देखो ना अगर आप शाम पे बैठ के तो पता है, है तो आप पैसा देकर क्यों खरीदोगे इंडिया पे से... उतना उतना पैसा कोई खर्चा नहीं करेगा एक इंटरटेनमेंट के लिए ठीक है कोई भी नहीं करेगा अगर वो फ्री पे अवेलेबल नहीं है तो फिर भी खरीद लेगा अगर वो फ्री में मिल रहा है तो वो क्यों खरीदेगा सबसे बड़ी बात तो यही है

ठीक है बैटल रॉयल गेम फ्री होता है तो आप वहां से खेल के कुछ कर सकते हो अदरवाइज और एक होता है जो जो गेम गेम टेस्टर टेस्टर होता होता है okay? जो हो। होता है ओके गेमिंग कंपनी पे भी जॉब इन द सेंस वो आप टेक्निकल के बारे में आपको कुछ पता नहीं है आपको गेम दे देगा फर्स्ट ड्राफ्ट या सेकेंड ड्राफ्ट या फुल गेम आपको दे देगा आपको बोलेगा तुम खेलो खेल के बताओ कहाँ कहाँ ग्लिचेस है ढूंढ के बताओ कंपनी वो सही करेगा फीडबैक लेगा सिंपल बात है टेस्टर तो उसके लिए ना मतलब बहुत गेम्स खेलना पड़ता है हम लोग इतना भी गेम्स नहीं खेलते वो पागलों की तरह गेम खेलते हैं तो वो लगभग लगभग लग लग उसी टाइम पे या उससे एक दो घंटा ज्यादा लेकर गेम खत्म कर देगा या वो लोग कुछ हाँ वो लोग ऐसे ही होता है भाई भी ऐसा ही था मैं वो कह रहा हूं अच्छा अच्छा ओके एंड उससे बड़ी बात है जैसे हम लोग सिर्फ मिशन पे फोकस करते हैं ना उन लोगों का वो मिशन पे ही सिर्फ फोकस नहीं रहता है उसको पूरा मैप पे देखो मैप पे हर बात देखना हम देखना पड़ता है कहाँ क्लीचेस है क्या नहीं है तो वो गेम टेस्टर का जॉब है वहां पर भी अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है चलो करते अप्लाई उसके लिए वहां अगर कुछ होता है आ... इंडिया को अभी तक कंपनीज भी मेरे हिसाब से कुछ इतना सीरियसली नहीं लेती है हालांकि आई थिंक क्रिकेट को तो लेना ही है वो ले भी रहा है अभी इस टाइम पे रॉस साइम्स अपना उसके अलावा मैंने देखा है डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ छोटे मोटे काम करती रहती है इंडिया में गेमिंग रियल डब्ल्यू 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 गेम्स आई थिंक इन्होंने लास्ट टाइम बुलाए थे कुछ यूट्यूबर्स जब गेम लॉन्च हुई थी यूट्यूबर को बुलाया भी था आई थिंक वो रेसलर के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी कराया था एक बार ऑनलाइन हाँ। इंटरव्यू टाइप का क्योंकि रॉनी वगैरह लिया था मुझे पता है रॉनी जो है ना यूट्यूबर उसने कोई में गया था क्योंकि वो रेसलिंग का फैन है तो उसको उसने ऐसे ही ज़ूम कॉल पे किसी रेसलर का इंटरव्यू भी लिया था ईए जो लोगों को प्री सिटीज में मिलता है पबजी वगैरह इन्होंने कभी कुछ ऐसा इंडिया के लिए किया मेरे को पता नहीं है इसके बारे में नॉलेज नहीं है ऐसे मतलब क्या किया मतलब कुछ जैसे होते है ना कैंप लगाए हो या कुछ उस तरह से कुछ वो करता है ना जो से दिवाली वगैरह पे वो ड्रेसेस वगैरह देता है इंडिया के हिसाब से कुर्ता पाजामा हाँ या उस तरह ऐसे ऐसा दिया है, है बहुत बड़ा दिया है हाँ हाँ होली पे दिवाली पे किया है

पता नहीं भाई अगर आएगा तो भाई बहुत मजा आ जाएगा खेली हुई है जीटीए इंडिया पता है कहाँ पे पहले की बात है तब सीडीजी आती थी तब आई थी जीटीए इंडिया जीटीए इंडिया बड़ी हुई मैं भी चला गया लेने तब तो मिलती पायरेटेड थी मतलब ओरिजिनल सीडी की तो कोई बात ही नहीं करता था मैं तब की बातें कर रहा हूँ तो तब की बात है तो जीटीए इंडिया मैं भी लिया मैं भाई जीटीए इंडिया आई है लगाई कुछ नहीं आई थिंक सेनेट या कौन सी थी मैप उसने पूरा इंडिया का डाल दिया है मतलब किसी सिटी का डाल दिया अभी इंडिया लगे ऑटो चल रहे हैं और ऐसे करके बनाया हुआ है तो मिशन मिशन कुछ नहीं था उसमें कोई मिशन नहीं बस घूम सकते हो okay. थोड़ा इंडिया की गलियों की तरह बना दिया था आई थिंक उसने कुछ किया होगा मॉड को क्या किया जैसे इंडिया का इंडिया का अगर मैप बनाएगा ना कोई भी गेम पे ऐसा जीटीए वगैरह देखो रॉकस्टार बना सकता है थोड़ा सा हाई लेवल का गेम है वहां पर जो रास्ता गलिया दिखाता है वो थोड़ा सा हाई है मतलब अगर वो लोग कोई ऐसा स्टोरी सोच सकता है जो इंडिया के ऊपर बेस्ड है इंडिया का भाई मैप दे देगा भाई वो मैं बता रहा हूँ वो फॉरेनर भी पसंद करेगा गलियों में घूमना छात पे छात से छात पे जाम करना पार्क को टाइप का भी हो जाएगा आपने वो नहीं खेली है ना अनचार्टेड जिसमें इंडिया है। का है वो सारा नहीं मैंने मैंने नहीं खेला खेलना है वो वो मस्त है वो बहुत सही है उसमें आपको मतलब फील आता है कि हाँ यार इंडिया में सही है मजा आता है देख के इंडिया इंडिया तो ना? पे मैं भाई खेलने में मजा तो आएगा इंडिया का जो गलिया है उसमें दौड़ना तो या उसकी अलग अलग घर की छत से अलग अलग घर की छतों में जाना जो होता है हाँ एक फील अलग तो आएगी क्योंकि देखो ये तो ऑब्वियस है कि पूरा इंडिया का मैप तो गेम में आने से रहा वो लेंगे तो एक सिटी लेंगे है ना उसको हाँ। थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली बैंगलोर लेंगे या मुंबई लेंगे हैदराबाद भी, भी, भी ले सकते हैं मोस्टली ऐसी ही कोई बड़ी सिटी लेंगे या या हो सकता है जीटीए तो नहीं करेगी बट आई थिंक कोई इंडियन डेवलपर इन फ्यूचर ऐसा कर दे अब ये कर ही रहा है अपना मुंबई का लिस्ट तो आ ही रही है उसमें देखना होगा कि कितना डिटेलिंग की है उन्होंने क्योंकि जीटीए की मैंने बहुत वीडियोस देखी है जो उन्होंने विद गेम और रियल में फोटोज डाली हुई है उस तरह नहीं, से नहीं। आप बताओ आपका आने वाली जनरेशन जो है ना मतलब आने वाली नहीं जो आ चुकी है नहीं। उस वो गेमिंग को लेके थोड़ी ज्यादा सीरियस होगी और आई थिंक गेमिंग इंडिया में बढ़ेगी टू तो बी फ्रेंक अब देखो मेरा बेटा पांच साल का है वो जीटीए फाइव की एक एक चीज बता सकता है उसको सब पता है कौन फ्रैंकलिन है कौन ट्रेवर है कौन माइकल है ठीक है वो वो खेलता भी 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 है वो वीडियोस भी देखता है 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 वीडियोस देखता देखता आज से ही ठीक है। है? उसको मॉड्स पता है। मेरे को बताता उसको रहता पा, है पापा पापा राजीम शर्मा दिखा देना उसको <laughs> पता नहीं भाई वो क्या क्या देखता मुझे तो पता भी नहीं है वो वो कई बार ऐसी बातें कर रहा होता है मैं भी हैरान होता हूँ ये तू कहा भी घुस गया इस चीज में बाहर निकल वो लगा होता तो है मैं मे, मैं एक मेरा स्टोरी बताता हूँ मेरा एक भैया है ठीक अच्छा है जिसके पास प्रॉपर मतलब अच्छा खासा पीसी वगैरह है सेटअप वगैरह है ठीक है उसके घर में गया था एक दिन <laughs> वो बात कर रहा है मेरा म, मामा का लड़का उसके घर गया था मेरा उस भैया के घर पे ठीक है तो वो वहां पर जीटीए नॉर्मल खेलता था वो क्लास फाइव सिक्स में पढ़ता था तो जीटीए नॉर्मल जैसे खेलता था गाड़ी वाड़िया चलाता था मारता था धरता था ये सब करता था एक दिन ना वो गलती से स्ट्रीप का क्लब पे घुस गया ठीक है उसको लगा क्या है चलो घुस जाता है तो वो घुसा उसके बाद वो स्ट्रीट क्लब के कमरा होता है ना वहाँ पर प्राइवेट प्लेस पे जाते हो तो कुछ आई चीजें है शो।, शो होता है कुछ सामने आ जाता है तो उसने ना वो वीआईपी शो भी एक्सेस कर लिया ठीक है वो चला गया उसके बाद वो वो देखने के बाद इतना नर्वस हो गया क्या करूं, क्या हक्का रह गया वो चुपचाप बैठ गया ठीक है उसको समझ ही नहीं आया क्या करूँ एट उस टाइम पे मेरा वो भैया आ गया ठीक है वो बोला तू क्या कर रहा है थीका? थीका? उसके बाद से उस बंदे ने जीटीए 5 कभी खेला भी नहीं है के मारे <laughs> नहीं वो आ, वो तो पंगा रहता ही है मैं भी ना जीटीए की आवाज वगैरह इसको बंद कर देता हूँ काफी हद तक या सब टाइटल्स बंद कर देता हूँ ताकि इतनी इसको वो ना सुने क्योंकि गालियां तो खुली निकालते हो उसमें हाँ ये है थोड़ा ब्लड तो ब्लूट ज्यादा है बट कमिंग बैक टू द टॉपिक मतलब आज की जनरेशन अभी से गेम्स में इन्वॉल्व है मोबाइल हाथ में है मोबाइल में तो खेल ही रहे या चलो ठीक है जीटीए वगैरह तो काफी आगे की बातें आ गई मोबाइल में आप बचपन से ही गेम्स खेल रहे हो एंड सबसे बड़ी बात है हमारा जो पेरेंट्स है उसको गेमिंग के बारे में उतना नॉलेज नहीं है ठीक है आपको गेमिंग के बारे में नॉलेज है तो आपकी बेटा है, अगर गेम खेलेगा तो आप थोड़ा सा सपोर्टिव तो हो ना उस हिसाब से क्योंकि आपको पता है इससे भी करियर बन सकता है नुकसान है कैसे

पापा मैं खेला अरे पांच मिनट रुक जा भाई <laughs> मैं दिखा तो कल वो जंप मारने की कोशिश कर रहा था जीटीए टी फाइव पे कल या परसों की बात है तो उससे हो नहीं रही थी मैं एक आधे मिनट देखा मैं रहा नहीं गया मैं तू दे दे कंट्रोलर ये मुझे करनी हो मैं तो नहीं, नहीं नहीं मुझे करनी हो मैं भाई तू हट जा तू हट जा पचास जंपे है फोर्टी नाइन कर लियो ये वाली मैं ही करूंगा <laughs> फिर उसने एंड में कहा अच्छा चलो एक बार ही आपकी एक मेरी मैं कह मुझे एक ही बहुत है <laughs> तो वो नुकसान है बच्चों को शायद थोड़ा सा मैं नहीं देने वाला उसको ये है वो कई बार रोता है पीएस तो उसने अपना ही सोचा हुआ है वो लड़ रहा था मेरे से शॉप पे कैसे ले गए आप <laughs> मैं कब सही तो बोला है तेरे लिए नहीं लिया मैंने अरे आप तो आई थिंक इस जनरेशन को ये फायदा है कि बचपन से गेमिंग है आपको पता है ठीक है हमारे टाइम पे नहीं पता था लोगों को मुझे

मैंने पहले खेला है मेरा एक भैया के घर पे था वो एक छोटा सा होता है ना टीवी पे लगा के उसमें बंदूक आ रहा है बंदूक रहता था अब पक्षी उठता था मारते थे वो भी देख कॉन्सोल टाइप का था ना छोटा छोटा चिप लगता था आपने खेले हो या नहीं, नहीं खेले हो पता नहीं तो वो मैंने खेला मेरा मेरा एक दो भैया के पास था तो मैंने वो बहुत बार खेला था एक बार मैंने अपने घर में लेकर आके टीवी से कनेक्ट करके भी खेला था वहां पर फुटबॉल भी लगता था मारियोस वगैरह भी होता था आई थिंक पर चलो आई थिंक ग्रो ही करेगी इंडिया में गेमिंग मुझे मेन यही लगता है uh, मैं चाहता हूँ थोड़ी पेस से करे हमारे जिंदा होते होते ही हम कुछ देख ले uh, वो डाउटफुल है कि इतना कुछ मिले शायद जैसे फॉरेन को देख रही है गेमिंग उतना तो नहीं होगा बट लेट सी क्या बनता है गेमिंग में मैं एक और बात भी बोलूंगा अभी भी कई गेम्स है जो जिसके बारे में सोचा ही नहीं है लोगों ने जैसे हॉकी होगी या और भी कुछ स्पोर्ट्स है इनकी गेम्स वगैरह टेनिस चल सकती टेनिस, है। टेनिस का भी तो गेमिस नहीं है अच्छी गेम्स नहीं है है बट वो लेवल की नहीं है गोल्फ की अच्छी थी ये जब बनाता था मुझे नहीं पता अभी ये गोल्फ की बनाता है कि मोबाइल मुब, का बनाता है अभी ये गोल्फ का अच्छा क्योंकि मैंने पी एस टू पे खेली है गोल्फ बहुत ज्यादा मैं और मेरा दोस्त हमने एक बार वैसे ही मजाक में ले आए थे गोल्फ की सीटी क्रिकेट खेल okay. के बोर हो गए थे गोल्फ उठा कि गोल्फ खेलते भाई oh. हम पागल ही हो गए गोल्फ के पीछे दोनों खेल रहे गोल्फ खेल रहे तो बट चलो वो एक तरफ है अभी भी मुझे लगता है कई ऐसी स्पोर्ट्स है जो अनस्ट है उस पे बहुत भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है बहुत सारे स्पोर्ट्स है अब बाहर पे बाहर की मुझे नहीं पता बट इंडिया पे देखो ना कितना सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल है बास्केट बास्केटबॉल का तो है इन बी एबॉल हो गया सुनिए वॉलीबॉल है, है अपना और इंडिया में चलता भी है वॉलीबॉल लोग खेलते हैं हाँ। मैंने काफी लोगों को देखा खेलते हुए। आप भी कर सकते भी मस्त गेम है खो खो या कबड्डी कुछ आई थी मुझे नहीं पता बट इंडिया पे बहुत सारे गेम्स है बहुत सारे गेम्स है अब मतलब कर सकते हो खेल मतलब मतलब अगर कोई इंडियन गेमिंग के हिसाब से सोचे जो रहा है वो इन चीजों पे भी टच कर सकता है क्योंकि मोबाइल वगैरह पे आई थिंक बन सकती है अच्छी गेम्स इनकी हम्म जाए तो और बोलो कुछ गेमिंग इन इंडिया के बारे में प्राइजेस तो बढ़ते ही जाएंगे बट प्राइजेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्राइजेस थोड़ा सा अगर दो तीन हजार फिर भी ठीक है भाई पांच छह हजार इंडिया की सबसे बहुत है ठीक है बहुत ही ज्यादा बहुत है दो तीन हजार मेरे हिसाब से फिर भी लोग खरीद लेगा महीने पे एक गेम तो खरीद सकता है दो तीन हजार का भी, आए, फिर भी अर्निंग हो so, तो, <coughs> होता है ना है कुछ कुछ लोगों का बहुत है अदरवाइज सभी तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है अपर मिडिल क्लास कितना हम्म बट वही बात आ गई ना प्रेशर आ गया अब देखो एक एक मैं एग्जांपल देता हूँ मान लो एक सीडी है ठीक है एक कंट्री में उसको सौ लोग खेल रहे एक कंट्री में दस लोग खेल रहे तो अब जिस कंट्री में सौ लोग खेल रहे हैं ऑब्वियसली वो प्राइस उनको 100 लोगों के हिसाब से डिसाइड हो रहा है तो थोड़ा कम होगा क्योंकि हाँ, वो सोच रहे हैं ना इस बात को कि सौ लोगों के पास जा रही है तो हम ये प्राइस रख सकते हैं लेकिन जहां दस लोग है वो दस लोगों पे ही प्रेशर आ जाता है कि भाई यहाँ तो दस से बिकनी है तो इनसे खींच लो आई थिंक तो उस हिसाब से तो हाँ रोसामन से इसलिए किया था इसीलिए बोला था ना उसने कि भैया सेल कम है तो मुझे प्राइजेस हाई करने ही पड़ेंगे तो उस हिसाब से अगर मेरे हिसाब से इंडिया पे अगर लोग ज्यादा गेम्स खेलेगा तो पैसा कम होगा शायद धीरे धीरे हाँ जी होगा धीरे धीरे या मुझे भी यही एंड पैसा एंड पैसा कम होगा तो और भी लोग आएगा एक स्ट्रेटेजी भी आ जाएगी ना मान लो अब फीफा की क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ठीक है अगर फीफा की गेम्स इंडिया में ज्यादा बिकना शुरू हो जाती है तो वो यहाँ पे स्कीम्स, कर... स्कीम्स प्राइजिंग भी सही रखेंगे इंडिया की टीम के बारे में भी सोचेंगे अब क्यों आज आईपीएल को लाइसेंस कर रहा है रोसाइमन्स? मार्केट दिख रही है भाई उसको है ना तो आई थिंक वो चीजें जरूरी है तो बाकी आप कुछ बोलने लगे थे बोलो हाँ भैया बहुत है, बहुत है। तो। थैंक यू सो मच ये देखने के लिए और आप लोगों को क्या लगता है भैया डेफिनेटली कमेंट्स में बताना की गेमिंग इन इंडिया ऑब्वियसली इसके बारे में हम आगे भी कभी ना कभी बात करेंगे अपने आईडिया क्वेश्चन डेफिनेटली शेयर करना और पिछले कुछ टाइम से आपने कमेंट्स में कुछ बातें पूछी थी वो भी हमने कवर नहीं की है कुछ तो करनी थी जो रह गई है <laughs> कुछ <laughs> हुआ था और कुछ भाई की जो कुछ आने वाला है कुछ आने वाला है कंट्रोवर्सियल अलर्ट अलर्ट बट आज टाइम इतनी जल्दी निकला भाई टाइम ही नहीं लगा तो वो भी कवर करेंगे देखते अगले या अगले एपिसोड में और हमारे पहले गेस्ट को भी तैयार कर रहे हैं हम उनको भी जल्दी भी लाते है काफी कुछ हो तैयार कर, हाँ। कर रहे हैं पहला गेस्ट को हम तैयार कर रहे हैं सिखा रहे हैं भाई क्या क्या, क्या बोलना है उन उनके थोड़े से दिन बुरे चल रहे हैं जो हमारे पहले गेस्ट है वो खुद ही सुनाएंगे आके जब आएंगे ठीक है तो उनको भी लाते हैं तो जो भी है नहीं हो तो आई होप आपको मजा आया होगा अगले हफ्ते मिलते हैं और भी चैनल पे कुछ ना कुछ डालना शुरू करते हैं अब हम ठीक है टोटली पॉडकास्ट चैनल ही बनी जा रहा है <laughs> चलो ठीक है भैया थैंक यू सो मच मिलते हैं जल्दी बाय बाय मेरी तरफ से और बाय 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 और चेक्सफाई की तरफ से ठीक है बाय 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 बाय